आप कल्पना कीजिए कि आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, अगर कल सत्ता बदल गई और जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं, उन्होंने भी अगर बदले की कार्रवाई में यही सब किया, तब क्या होगा भाई? क्या आपको उसी तरह का माहौल चाहिए? नहीं ना। माहौल जो भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो, संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो सरकार आज की तारीख में ये सब कुछ कर रही है, जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, 2024 में सरकार को उखाड़ के फेंको। और सरकार को उखाड़ने का तरीका है कि ईवीएम को उखाड़ के फेंको। पहले ईवीएम उखाड़ो, फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, और फिर इस सरकार को उखाड़ कर फेंको, तभी देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। जब सरकार 16 हथियारबंद, अत्याधुनिक हथियारबंद लोगों की सुरक्षा दे, और वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहें कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उनके होते हुए 3 लोग आके 30 राउंड फायर करके 2 लोगों की हत्या कर देते हैं, और वो साथ में जो पुलिस वाले हैं उनका हाथ अपनी पिस्टल तक भी नहीं जाता, क्या समझ में नहीं आता है कि सरकार द्वारा कराया गया कत्ल है? किसानों के आंदोलन में भी यही कहा, CNRC के आंदोलन में भी यही कहा। वो किसान, वो सरकार की अपनी लाइन है कि किस तरह से विरोध करना है। उसके कहने से आंदोलन, जो जनता का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन है, इस देश की बेटियों का आंदोलन है, वो राजनीतिक नहीं बन जाएगा। 40 साल में माफियाओं का आतंक था, उसका अंत हो गया। बिल्कुल, तो सरकार माफिया बन गई। अब है सरकार माफिया बन गई, तो आप भी यही कहेंगे? तो कल अगर आप माफिया बने तो आपके खोपड़ी में इसी तरह से गोली उतार देनी चाहिए? यही कह रहे ना आप? इस देश में कानून का, संविधान का राज है या नहीं? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जाइए धरने से, यानी कुल मिलाकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये उनसे पूछो आप कि तुम क्यों कह रहे हो भाई इनको हटने के लिए। मेरे से मत पूछो ये सवाल। नहीं तो बहन का दर्द बहन नहीं समझ पा रही है तो देश कैसे समझेगा? क्या बात करते हो? इसी देश में कोरोना काल में देखा ना हमने, अपने की शरीर तक को हमने नहीं छुआ, बेटों ने बाप की लाश को नहीं छुआ। किसकी बात कर रहे हो? जिस देश में इतना स्वार्थी इंसान हो, वहाँ रिश्तों की आप बात कर रहे हो? ये रिश्ते सब भी मतलब के लिए होते हैं अधिकतर। तो कहाँ कैसे पॉलिटिकल कोरोना समझ लिया? मुझे नहीं पता कि क्या समझ लिया क्या नहीं हुआ, लेकिन लोगों की विचारधारा अपनी होती है, अपने स्वार्थ होते हैं। कौन किस वजह से क्या बात कह रहा है, या किससे किस वजह से कहलवाई जा रही है, किसी दबाव से कहलवाई जा रही है, या कोई ऐसी बात है? इस बाहुबली के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हों और उनके ऊपर जब ये 6 दिन के बाद में FIR दर्ज होता है तो क्या मुकम्मल जाँच हो पाएगी? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, अगर जांच मुकम्मल होती या इन्वेस्टिगेशन फेयर होती तो पहले ही FIR हो गई होती ना। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी बाकायदा देखभाल करे, निगरानी करे, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। और हो सकती थी इन्वेस्टिगेशन फेयर मेरे विचार से, अगर जिन पुलिस वालों को पहली ही बार इन्होंने कंप्लेंट दी थी उन्होंने जो FIR नहीं करी, उनके खिलाफ FIR सुप्रीम कोर्ट कराने के आदेश देती, तब शायद हो जाता कुछ। बेली काटी जा रही है जिस तरीके से यहां से कहा जा रहा था। अरे गर्दन नहीं काट दी भाई, इस बात का शुक्र मनाओ आप, अभी तो बिजली काटी भाई। बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बिल्किस बानो के अपराधियों को संस्कारी का कर छोड़ा जा सकता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ब्रिजभूषण के साथ भी कुछ, वो भी तो संस्कारी है? लगता नहीं, मैं तो जानता हूँ भाई, इस देश में न्याय नहीं मिलता किसी को, केवल न्याय का एक ड्रामा होता है, देर सवेर कहीं किसी के पक्ष में फैसला आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय नहीं मिलता यहाँ पर। लगता है कि संस्कारी ठाकुर उनको घोषित किया जा सकता, पता नहीं, आप घोषित करवा दो आप, ये करने अपने आप करने, मेरा इससे। और सरकार कहती है पूरी संवैधानिक व्यवस्था से सरकार चला रही है, देश चल रहा है। सरकार के कहने से चीजें नहीं बदलती है। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियां क्यों बैठी है यहाँ, यही कहती ना सरकार? सरकार तो ये कहती है कि इस देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी। क्या बढ़िया हो रहा है? सरकार ने अपने आप ही 2022 में संसद में जानकारी दी कि 22 करोड़ लोगों ने हमसे रोजगार मांगा, हम केवल 7 लाख को दे पाए, यही सरकार कहती है ना। यही सरकार है जो एक तरफ कहती है कि देश विकास कर रहा है, लेकिन इसी देश में से पिछले 9 साल में से 10 लाख अरबपति खरबपति करोड़पति देश को छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले लिए, विदेशों की। तो ये विकास है, ये सरकार का कहना है। और सरकार कहती है देश में बहुत बढ़िया शिक्षा है, लेकिन आज की तारीख में 8 लाख बच्चे पर ईयर
इस देश को छोड़कर विदेशों में जाके शिक्षा ले रहे हैं, ये सरकार कहती है। और सरकार कहती है सब कुछ बढ़िया हो रहा, बड़ा विकास हो रहा है। 60 साल में इस देश ने 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया और 9 साल में इस देश ने 110 लाख करोड़ रुपए कर्जा और ले लिया। यानी जो 55 लाख करोड़ था कर्जा 2014 में, आज की तारीख में बढ़ के वो 165 लाख करोड़ हो गया। तो सरकार की कतनी और करनी और फिर मोदी की कतनी और करनी, उसमें तो वैसे भी सर ये कहने की पहलवानों का ये धरना नहीं है, ये वहाँ पे पॉलिटिशियनों की एंट्री हो गई और ये पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। वो तो पहले भी किसानों के आंदोलन में भी यही कहा, सीएनआरसी के आंदोलन में भी यही कहा। वो किसान, वो सरकार की अपनी लाइन है कि किस तरह से विरोध करना है। उसके कहने से आंदोलन, जो जनता का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन है, इस देश की बेटियों का आंदोलन है, वो राजनीतिक नहीं बन जाएगा। कहने से ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। ये ब्रजभूषण से पूछो ना, मेरे से काई पूछ रहे सवाल, तो उसने कहा है ना मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या लग रहा है सर पद पे बैठकर, मतलब ये आप इंसाफ, ये ब्रजभूषण से पूछो ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो बोला है और योगी सरकार का जो अटैक का एनकाउंटर हुआ था, हत्या हुई, उस पे कुछ बोला है, इन सब चीजों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बोलता जा रहा है, इससे क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है, अगर कहीं अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है और सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बोलना ही चाहिए। भाई वो संविधान की रक्षक हैं, उन्हें संविधान की रक्षा में आगे आना ही चाहिए, बोलना चाहिए, और ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन ये सर सरकार द्वारा प्रायोजित ये क्या बात है, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? ये आंख मार के क्यों कह रहे हो, मैं सीधा ही बता देता हूं ना। जब सरकार सोल है, हथियारबंद, अत्याधुनिक हथियारबंद लोगों की सुरक्षा दे और वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहें कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उनके होते हुए 3 लोग आके 30 राउंड फायर करके 2 लोगों की हत्या कर देते हैं और वो साथ में जो पुलिस वाले हैं उनका हाथ अपनी पिस्टल तक भी नहीं जाता, क्या समझ में नहीं आता है कि सरकार द्वारा कराया गया कत्ल है ये? 40 साल में माफियाओं का आतंक था, उसका अंत हो गया। सरकार माफिया बन गई, अब है सरकार माफिया बन गई, तो आप भी यही कहेंगे? तो कल अगर आप माफिया बने तो आपके खोपड़ी में इसी तरह से गोली उतार देनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? इस देश में कानून का, संविधान का राज है या नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो लेकिन उसको सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कमजोरी है तो आप उसको मजबूत करो, ये नहीं कि आप हथियार लेके और आप न्याय करने निकल जाएंगे। तो कल यही होगा, जिसके पास हथियार होगा, जिसके पास ताकत होगी, जो उसके विरोध में होगा उसके कनपटी पे गोली मारेगा, काम खत्म। यही चाहते हैं आप, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते, लेकिन जो पब्लिक नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं पब्लिक में खुशी, पब्लिक में जो खुश है ना वो लोग, जो पब्लिक में खुश है वो लोग अपराध को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जो लोग आज खुश, आप कल्पना कीजिए कि आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, अगर कल सत्ता बदल गई और जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं, उन्होंने भी अगर बदले की कार्रवाई में यही सब किया, तब क्या होगा भाई? क्या आपको वही उसी तरह का माहौल चाहिए? नहीं ना। माहौल जो भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो, संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो नहीं, लोगों के लिए मेरा सीधा महत्व मैसेज, इस देश के लोगों को जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें ये नहीं सिद्ध करना चाहिए कि वो मुर्दे हैं, उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए कि वो जिंदा हैं, और जिंदा लोग चुप नहीं रहते, आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और एक और मैसेज, रुक जाओ भाई, काटो मत, बढ़िया, सबसे बढ़िया मैसेज है कि जो सरकार आज की तारीख में ये सब कुछ कर रही है, जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, 2024 में सरकार को उखाड़ के फेंको। और सरकार को उखाड़ने का तरीका है कि ईवीएम को उखाड़ के फेंको, पहले ईवीएम उखाड़ो, फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और फिर इस सरकार को उखाड़ कर फेंको, तभी देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं।